वो कोरोना वायरस की तस्दीक उसमें नहीं हुई थी, उसकी डेथ जो है वो कोरोना से नहीं हुई है। ये क्या आपको नजर आ रहा है, क्या जिस तरह से सीएम सिंध हमें नजर आ रहे हैं, वोकल नजर आ रहे हैं, कम्युनिकेटिव नजर आ रहे हैं, मुस्तकिल वो राबते में आवाम के साथ, और जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट एफिशिएंटली स्टेप्स ले रही है, तो ये बाकी सूबों की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें कहीं इनएफिशिएंसी है, कहीं लैकिंग है, शायद थोड़ा सा शायद वो बिहाइंड चल रहे हैं कम्युनिकेशन में? देखें नीलम, बात यह है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली सिंध में जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर सिंध इज़ वर्किंग और वो एवरी वेयर ही इज़ विजिबल, दिस शोज द कंसर्न, और ये हर चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए जो कि नहीं हो रहा। और सेकंड बात है कि इसको हम बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी अपनी कमजोरी की वजह से ये ज़्यादा स्प्रेड हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था और ये कंट्रोलेबल था। देखें ये सारे जितने भी लोग आए हैं ये ज़ायरीन थे जो कि ईरान से आए हैं, ईरान का बॉर्डर ज़ाहिर है बलूचिस्तान के साथ लगता है, तो ये डीजी खान में ये लोग क्यों आए या वो सिंध में क्यों पहुंचे? वाई दे वर नॉट स्टॉप्ड इन ताफ्तान के बॉर्डर के ऊपर जहां आपने क्वारंटाइन बनाया हुआ था? वो तो सीएम सिंध ने आपने कल गलत हमें बताया कि बसेस में बिठाकर फेडरल गवर्नमेंट उनको छोड़कर गई है तमाम सूबों में, ये उनके कल का शॉट हमने अपने शो में कवर किया था जब उनसे देखें यही दिस इज सवाल उठाया रॉन्ग। गया। लेकिन नीलम, जब बसों में आप लोगों को डाल रहे हैं, एक बस में 30-35 लोग डाल रहे हैं, अगर दो इन्फेक्टेड है उन्होंने बाकी 28 को भी कर दिया, तो व्हाई दे नॉट स्टॉप देयर एंड देन? आपने मुल्क के एक इतना अहम इशू बना हुआ है, नेशनल क्राइसिस हुए हैं, हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड कंसर्न, व्हाई बलोचिस्तान में आपने 10,000 टेंट्स का बंदोबस्त, तो एक विलेज क्यों नहीं बना दिया? आप रिक्वेस्ट करते फौज से, आप रिक्वेस्ट करते कोर कमांडर वहाँ क्वेटा से, अरे आर्मी को लेते आप, इमीडिएटली वो आपको विलेज बना देते प्रॉपर तरीके से आइसोलेट विलेज, हर एक 40 पाउंडर टेंट में, एक छोटे टेंट में एक इंडिविजुअल होना चाहिए, जहां 5 इंडिविजुअल होंगे और वहां पर एक इन्फेक्टेड होगा तो वो 5 का तो हो जाएगा। सो इट इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ नेगलिजेंस।